उत्तर प्रदेश के अयोध्या में प्रभु राम का दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है। आज ही के दिन यानी 3 साल पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। आज का दिन इतिहास के पन्नों में जरूर दर्ज है, लेकिन आज के दिन को लेकर अयोध्या में उत्साह का माहौल देखने को मिलता है। दूर दराज से आए राम भक्त उत्साहित रहते हैं, तो अयोध्या के साधु संत भी आज के दिन को ऐतिहासिक दिन बताते हैं, क्योंकि आज के दिन ही प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और आज 3 वर्ष बाद अयोध्या में भगवान रामलला का भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए बनकर तैयार है। हालांकि अभी तक भगवान रामलला अस्थाई मंदिर में विराजमान हैं, लेकिन जब कोई विशेष पर्व या उत्सव या विशेष दिन रहता है तो रामलला के लिए अलग से तैयारी की जाती है। आज 5 अगस्त है और आज के दिन रामलला को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। रामलला के दरबार को फूलों से सजाया जाएगा। इतना ही नहीं, रामलला आज नीले वस्त्र धारण करके राम भक्तों को अद्भुत दर्शन भी देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया, तब से मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या की कायाकल्प भी बदल रही है। देश दुनिया के राम भक्त धर्म नगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं और बन रहे भव्य मंदिर निर्माण को देखकर भक्ति भाव में सराबोर नजर आ रहे हैं। चीज का भोग लगेगा, पूरी सब्जी खीर तस्मई और उसके बाद में मिष्ठान हलवा सब चीज का भोग लगाया जाएगा विधि विधान से। और चूँकि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, अभी अस्थाई मंदिर में है, प्रसन्नता ही है कि अब वो दूर दिन दूर नहीं है जब हमारे रामलला उस भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इससे इसकी प्रसन्नता में आज का एक ऐतिहासिक के साथ साथ उत्सव का आज दिन है जो आज मनाया जा रहा है। फूलों से सजाया जाएगा मंदिर, मंदिर का जो है व्यवस्था जो है फूलों से सजाई जाएगी। नीले रंग के कपड़े में रामलला जी का आज दर्शन होगा। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन को? बहुत अच्छा है, महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक दिन है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है और ये आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है।